आज हम एसी में कौन कौन सा रेफ्रिजरेंट होता है इसके बारे में जानेंगे, यानी एसी में कौन कौन सा गैस डलता है और इसका प्रेशर कितना होता है इसके बारे में जानेंगे। R22 गैस का सेक्शन प्रेशर 60 से 65 PSI होता है और डिस्चार्ज प्रेशर इसका 250 से 300 PSI होता है और स्टैंडिंग प्रेशर 160 से 170 के बीच में होता है। R410 का सेक्शन प्रेशर 120 से 140 PSI होता है और डिस्चार्जिंग प्रेशर इसका 250 से 300 PSI होता है और इसका स्टैंडिंग प्रेशर 265 से 270 PSI होता है। R32 गैस इसका सेक्शन प्रेशर 120 से 140 के बीच में होता है और डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 500 PSI होता है और इसका स्टैंडिंग प्रेशर 240 से 270 PSI होता है। R407 रेफ्रिजरेंट का सेक्शन प्रेशर 60 से 65 PSI होता है और इसका डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 300 के बीच में होता है और इसका स्टैंडिंग प्रेशर 160 से 170 PSI होता है। R134 134 रेफ्रिजरेंट ये ज्यादातर फ्रिज के लिए यूज होता है। इसका सेक्शन प्रेशर 25 से 30 होता है और इसका डिस्चार्ज प्रेशर 100 से 250 होता है और इसका स्टैंडिंग प्रेशर 80 से 100 होता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।